ये बात है 15 मार्च सन 1959 की, जब मुंबई की एक छत पे 7 घरेलू महिलाएं इकट्ठी हुई। मकसद था महिलाओं को, स्पेशली घरेलू महिलाओं को जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें सक्षम बनाना और उन्हें कमाई का एक जरिया देना। शुरू में इन 7 महिलाओं ने 80 रुपए उधार लेके पापड़ बनाना शुरू किया, और जब 1 किलो पापड़ बनाने में 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ तो इन महिलाओं में जोश आ गया, क्योंकि 1959 में 50 पैसे का प्रॉफिट भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर क्या था, इन महिलाओं के विजन से और भी महिलाएं इनके साथ जुड़ती चली गईं, और आज इस कंपनी में 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। ये कंपनी 15 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट सेल करती है, और जो कंपनी 80 रुपए उधार लेके शुरू हुई थी, आज वो कंपनी 1600 करोड़ रुपए की कोऑपरेटिव कंपनी बन चुकी है, जिसकी वन ऑफ को फाउंडर है जसवंती बेन। गाइज, मैं बात कर रहा हूं लिज्जत पापड़ कंपनी की। आपको ये स्टोरी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली।